गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में रहते हुए आपके बारे में क्या सोचता है और आज सुबह आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और आपके पर्सन की आज सुबह की अर्ली मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो आज की इस टैरो का रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि आज सुबह आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और कार्ड्स आए हैं हारमोनी, प्रोजेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड रिसेप्टिविटी। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जो इंसान थर्ड पार्टी के साथ में है ज़रूर, बट आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की परछाई हैं। और कोई इंसान कैसे अपनी परछाई से दूर रह सकता है, तो जहाँ जहाँ ये पर्सन जाएगा ये परछाई तो इस पर्सन के साथ साथ चलेगी। उसी तरह ये पर्सन जिस किसी के साथ भी है, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आप ही के ख्याल रहते हैं, आप ही के बारे में ये सोचते रहते हैं और इसके दिल में आज भी आप ही के लिए प्यार है। ये पर्सन भले ही थर्ड पार्टी के साथ में है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है और आपका पर्सन इस बात से बहुत दुखी है, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन के जीवन में हारमोनी लाने का काम तो आप करते थे। जब ये पर्सन आपके साथ में थे तो कितने खुश थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास प्रोजेक्शंस के साथ साथ हारमोनी आया है, तो ये पर्सन आपको खुद में और ख़ुद को आप में देख पाते हैं। इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप इस पर्सन की वो परछाई हैं जो इस पर्सन के साथ हमेशा रहेगी, भले ही आप इस पर्सन की ज़िंदगी में अभी नहीं है। और आप दोनों के बीच अभी एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुनकर ही क्रिएट की है, ऐसा ये पर्सन मानते भी हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते थे। इस पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद ये एहसास हुआ है कि जो सपना इस पर्सन ने बहुत कुछ पाने का थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर देखा था ना, वो सपना तो अधूरा ही रह गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पा रही है। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्शंस के साथ साथ हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ में बन नहीं रही, उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, वो दोनों के स्वभाव बहुत अलग अलग हैं जिसकी वजह से फाइट्स भी हो रही हैं और आपका पर्सन अब आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आज सुबह भी इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि इस पर्सन ने पूरी तरह से आपके साथ रिश्ता तो ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से ये पर्सन चाहते भी हैं आपकी यादों को अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दें, बट ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं और वो ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, जो बन नहीं रही है ना, तो इस पर्सन को ये एहसास करा रही है ये चीज़ कि आप ही इस पर्सन के लिए बेस्ट चॉइस है। इस पर्सन ने आपको छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की है, इस पर्सन को ये गलती का एहसास ही बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है और ये पर्सन ऐसा लगता है एकांत में बैठ कर ना बहुत ज़्यादा पछताते हैं, बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, क्योंकि देख रहे ना यहाँ पर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्लिंगिंग टू द पास्ट आया है। तो इस पर्सन ने पूरी कोशिश की है अपने दिमाग से, दिल से आपको निकालने की, बट ये पर्सन नाकाम है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं ही इतने अच्छे और सच्चे, क्योंकि इस पर्सन की ज़िंदगी में हमारे व्यूवर्स ने तो हारमोनी लाई थी, इस पर्सन की ज़िंदगी को, खुशियों को महकाने की कोशिश की थी आपने, तो इस पर्सन की ज़िंदगी को ना जैसे कि एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ा था जहां पर इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई गम नहीं था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। ये पर्सन उसी खुशी के घमंड में आकर ना आपको इग्नोर करने लग गया, आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगा जहाँ पर अब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है। अब इस पर्सन की ख्वाहिशें बढ़ने लग गई, इस पर्सन की चाहत जो थी ना बढ़ती चली गई और थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस पर्सन को स्टक कर गई है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को पाने के लिए जो दाम दंड भेद इस्तेमाल किए थे ना, उसमें थर्ड पार्टी भी कामयाब हो गई और कुछ हद तक आपका पर्सन भी ऐसा सोचने लगा था कि इस पर्सन को सब कुछ मिल चुका है आपको पाकर, बट यहाँ पर अब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं रही है। यही वो मेन वजह थी कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया और थर्ड पार्टी का हाथ थाम लिया। तो यहाँ पर इस पर्सन का लालच और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इस पर्सन ने सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ इसको और भी कुछ, बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जो शायद आपसे अभी भी इस पर्सन को नहीं मिल सका है।
तो यही वो वजह थी इस पर्सन को आपसे दूर ले गई है, और थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन आज खुश भी नहीं है। आज सुबह भी ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को जब कभी भी ना ये एहसास होता है कि ये पर्सन तो थर्ड पार्टी को पाकर भी ना खाली हाथ हैं, तो आपके साथ में इस पर्सन की रियल हैप्पीनेस थी, खुशी थी। आज सुबह भी बार बार इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर इस वक्त होते तो ये जो इस पर्सन की ज़िंदगी इस वक्त मुसीबत बनी हुई है ना, थर्ड पार्टी ने जो इस पर्सन की ज़िंदगी में कोहराम मचा रखा है, ये कोहराम नहीं होता। आपके साथ में इस पर्सन को बहुत शांति मिलती थी, आप इस पर्सन को दिल का सुकून देते थे, दिमाग का सुकून देते थे, इस पर्सन के जीवन में हारमोनी लाते थे, और इस पर्सन को ये एहसास कराते थे कि कोई अपना है इस पर्सन की ज़िंदगी में जो इस पर्सन से बहुत प्यार करता है। और आज इस पर्सन ने एक प्यार करने वाले सच्चे इंसान को खो दिया है, ये एहसास ही इस पर्सन को आज सुबह भी तड़पा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, ये पर्सन ना इस बात को सोचकर बहुत दुखी रहते हैं कि अब आप इस पर्सन की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, और इस पर्सन ने अपनी ही खुशियों को अपने आप ही बिखेर कर रख दिया है। तो आपके जाने से इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कोहराम मचा है, और जो थर्ड पार्टी ने इस पर्सन की ज़िंदगी में कोहराम मचाया हुआ है ना, इसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं। और इस पर्सन को अब ये बात फील होती है ना कि इस पर्सन ने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो इस पर्सन की ज़िंदगी को परेशानियों और चैलेंजेस से भर चुका है। तो अब ये पर्सन ना थर्ड पार्टी को एक परेशानी के रूप में देख रहा है। इस पर्सन को लगता है कि यही वो सबसे बड़ी मुसीबत है जो आप दोनों के रिश्ते में ना ये दूरियां ले आई है, और आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है, आपसे डिस्टेंस पे बना हुआ है, आपके पर्सन ने आपके साथ पूरी तरह से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है। तो वो थर्ड पार्टी ही है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब ये पर्सन जब सोचता है ना, याद करता है पास्ट को, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसका पास्ट कितना अच्छा था, और ये प्रेजेंट में थर्ड पार्टी के साथ में है, तो कुछ भी कोई भी खुशी इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। और आज सुबह भी ये पर्सन इस बात को महसूस कर पा रहे हैं और एहसास कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टिविटी भी आया है, और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है कि आपका पर्सन मस्कुलिन एनर्जी से निकल कर ना फेमिनाइन एनर्जी में आता जा रहा है। पास में ये पर्सन थोड़ा ईगो में रहते थे, इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। जो चीज़ें आपके ज़रिए से इस पर्सन को मिली थी, इस पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि ये सारा कुछ तो इस पर्सन ने खुद ही हासिल किया है, ये जो मन का सुकून और दिमाग की शांति है ना, इस पर्सन ने खुद ही हासिल की है। तो सब कुछ जो कुछ भी हासिल किया इस पर्सन का खुद का किया हुआ है, आपने तो इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया, जबकि सारी चीज़ें आपकी वजह से थी, क्योंकि आपने इस पर्सन को इतना सपोर्ट और प्यार दिया था कि ये पर्सन खुद को ऐसा फील कर पाते थे कि इस पर्सन की ज़िंदगी में सब कुछ इस पर्सन के पास है और हर खुशी इस पर्सन के पास है। तो ये खुशियाँ जो आप दे रहे थे ना, ये पर्सन इन खुशियों को पाकर कुछ घमंड और ईगो में आ गया था, इसीलिए इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया और थर्ड पार्टी को चुन लिया है। अब ये आज सुबह इस बात के बारे में सोच भी रहे हैं और पछता भी रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रेडी। आई होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली हो, कुछ तो रेजोनेट की हो, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।